Now next pattern again based on number or species. इस केस में only two case manage करना है, either numbers or species. Number or species के cases में shape को manage करने के लिए shape कैसा almost exactly same है example number 82. तो इस केस में shape को manage करने के लिए if condition refer करोगे आप example 82. यहाँ मैं concentrate करूँगा only digits, only for displaying digits. डिजिट्स के रिस्पेक्ट में बात करें करंटली इस केस में n का वैल्यू कितना कंसीडर किया है यार, n वैल्यू इज 5. इस मैट्रिक्स का भी टाइप क्या है, 5x5 मैट्रिक्स. 5x5 मैट्रिक्स ही इसमें प्रीवियस सेशंस में ऑब्जर्व किया था सारे के सारे केस ओनली एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में डिस्प्ले कराना था. इससे कोई भी रो या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ग्रो कर रहा था या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर और सेम. इस केस में अगर कॉन्सेंट्रेट करें फर्स्ट वन, फर्स्ट केस में रू में डिस्प्ले क्या हो रहा है 1 2 3 4 5 मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर. फर्स्ट केस में डिस्प्ले किस फॉर्म में कराना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर. बट इन सेकेंड केस 4 3 2 1 इस केस में सीरीज और रो ग्रो कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर. सेम एज थर्ड केस, थर्ड केस में अगेन 1 2 3 मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर. फोर्थ, फोर्थ रो के केस में अगेन ऑर्डर का टाइप क्या है 2 1 मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर. वन समथिंग मे बी इंक्रीजिंग मे बी डिक्रीजिंग लाइक दैट. इस केस में अगर इस रिलेशन को क्रिएट करें, अगर एन का वैल्यू 5 गिवन है, मीन्स फर्स्ट टाइम डिस्प्ले क्या कराना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर. नेक्स्ट टाइम डिक्रीज मीन्स डिस्प्ले क्या कराना है, बाद में डिसाइड करें, पहले भी डिसाइड क्या करना है, इस डेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट हो रहा है या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर. मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन आई. इन दैट केस जितने भी इंक्रीजिंग ऑर्डर के केसेस हैं सभी केसेस में आई का वैल्यू कैसा है, आई इज अ ऑड नंबर. व्हेन एवर मीन्स आई के रिस्पेक्ट में डिसाइड करेंगे, व्हेन एवर मीन्स आई के केस में टू पॉसिबल केस, आई या तो ऑड नंबर होगा या फिर इवन नंबर. अगर आई का टाइप इवन ऑड नंबर है, सबसे पहले मैं कंडीशन के स्किल राइट डाउन कर रहा हूँ. मीन्स इफ आई इज ऑड नंबर, ऑड नंबर है तो इस केस में कुछ भी डिसाइड नहीं करना है. सेम एज जी डिस्प्ले क्या कराना है, फर्स्ट वन. जब आई का वैल्यू वन है, वन फर्स्ट रो के अंदर डिस्प्ले क्या कराना है 1 2 3 4 5. करेस्पॉन्डिंग जेथ वैल्यू क्या है, ऑल्सो 1 2 3 4 5, नो चेंज. सेम है आई का वैल्यू जब 3 हुआ उसके इसमें डिस्प्ले क्या कराना है 1 2 3. 1 डिस्प्ले कराना उसके इसमें जे का वैल्यू क्या है 1. 2 डिस्प्ले कराना जे का वैल्यू क्या है 2. 3 डिस्प्ले कराना तो जे का वैल्यू क्या है 3. सेम है लास्ट केस, मीन्स जहाँ भी आपको आई का वैल्यू अगर इवन ऑड नंबर्स के फॉर्म में फाउंड हो रहा है, इफ आई इज ऑड नंबर देन सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में ग्रो कर रहा है और जेथ वैल्यू भी ग्रो किस फॉर्म करें इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर. सिंपली ऑड फॉर्म में आपको डिस्प्ले क्या कराना है, वैल्यू एज सेम एज जे, नथिंग एल्स. नेक्स्ट केस, व्हेन एवर आई इज इवन नंबर, अगर आई का टाइप इवन नंबर होता है, इफ आई इज इवन नंबर, इवन नंबर कितने केसेस में फाउंड हो रहा है, करंट पैटर्न के केस में ओनली 2 केसेस मीन्स सेकेंड और फोर्थ. जब आई का वैल्यू 2 है देन डिस्प्ले क्या करना है 4 3 2 1. आई का वैल्यू जब 4 है देन डिस्प्ले क्या कराना ओनली 2 1. इवन के केसेस में अगर एक रिलेशन क्रिएट किया जाए आई और जे के वैल्यूज के फॉर्म में, एवरी टाइम एन का वैल्यू कितना भी ना, इन दैट केस एन वैल्यू इज 5. इसका लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे, एन वैल्यू एवरी टाइम क्या है 5, आई वैल्यू एंड जे वैल्यू एंड रिक्वायर्ड वैल्यू. फर्स्ट वन, फर्स्ट केस में अगर कॉन्सेंट्रेट करें 4 3 2 1, रिक्वायर्ड वैल्यूज क्या है 4 3 2 1. लेकिन इन सभी केसेस में आई का वैल्यू फिक्स्ड है एवरी टाइम 2 मीन्स 4 टाइम 2. एन वैल्यू एवरी टाइम फिक्स्ड है 5. इन 4 केस में अगर जे के केस में बात करें तो जे का वैल्यू क्या है 1 2 3 4, इज द फर्स्ट केस. सेकेंड केस में बात करें इन दैट वन अगेन एन वैल्यू फिक्स्ड है 5, लेकिन इस केस में टोटल नंबर कितने डिस्प्ले कर 1 2, तो इसलिए मैं 2 टाइम कंसिडर कर रहा हूँ. आई का वैल्यू इस केस में क्या है 4 एंड 4. देन जे वैल्यू, जे का वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या है 1, सेकेंड टाइम क्या है 2 1 एंड 2. देन वट इज द रिक्वायर्ड वैल्यू, रिक्वायर्ड वैल्यू के लिए लॉजिक से अप्लाई करें, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है 4, नेक्स्ट टाइम रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है 3 2 1, 4 3 2 1. इस केस में अगर राइट डाउन किया जाए 5 माइनस 5 मीन्स एन, एन माइनस
इस केस में डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 माइनस 2 इस माइनस 3 माइनस 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 क्या आएगा 2, और 2 में 2 ऐड कर दिया जाए देन क्या आएगा 4, दिस इज एक्सपेक्टेड वैल्यू। सेम एज 5 माइनस 2 माइनस 2, डिफरेंस कितना आएगा इस केस में 1, 1 में अगर 2 ऐड करें देन अगेन क्या मिल जाएगा 3, 5 माइनस 2 माइनस 3 डिफरेंस इज 0, 0 प्लस 2 इज 2, देन 5 माइनस 2 माइनस 4 इस केस में डिफरेंस क्या आ रहा है 5 मीन्स -1, -1 में अगर प्लस 2 ऐड करा जाए देन क्या आएगा +1। सेम एज इन सेकेंड केस, सेकेंड केस में 5 माइनस 1 प्लस 2 मीन्स 5 माइनस 5 मीन्स 0, 0 प्लस 2 इज 2, प्लस रिक्वायर्ड वैल्यू भी क्या था इस केस में ऑल्सो 2। इस फर्स्ट केस में रिक्वायर्ड वैल्यूज क्या थे 4, 3, 2, 1, लेकिन सेकंड केस में रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है 2, 1। सेम है 5 माइनस 4 माइनस 2 प्लस 2, डिफरेंस क्या रहा है इस केस में +1, और रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है ऑल्सो +1। फाइनली इस केस में रिलेशन क्या है, दिस वन इज एन माइनस आई माइनस जे प्लस 2। ये पर्टिकुलर केस किस केस में डिस्प्ले कराना है, व्हेन एवर आई इज इवन नंबर, एन माइनस व्हेन एवर आई इज एन इवन नंबर डिस्प्ले क्या कराना है एन माइनस आई माइनस जे प्लस 2, दिस इज द कंडीशन फॉर डिस्प्लेइंग दिस डिक्रीजिंग ऑर्डर। इस कंडीशन को राइट डाउन करेंगे इन साइड एल्स ब्लॉक। अब डिसाइड कैसे करूँ आई इवन नंबर है ऑड नंबर है, इसके लिए अप्लाई करूंगा कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर में कंडीशन किस लिए राइट करेंगे आई मॉड्यूलो 2, आई को 2 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 क्रिएट होता है इसका मतलब आई कैसा, आई इज इवन, इवन है देन कंडीशन ट्रू होगा, तो ट्रू होने के केस में एक्सप्रेशन किस लिए राइट करेंगे इवन के लिए, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू। इवन के केस में क्या डिस्प्ले कराना है दैट वन एन माइनस आई माइनस जे प्लस 2। सेम एज आई का वैल्यू अगर ऑड है, ऑड होने के केसेस में कंडीशन फॉल्स हो जाए, कंडीशन फॉल्स होगा देन कंट्रोल कांस्टेंट होगा इन फॉल्स सेशन, फॉल्स सेशन में सिंपली क्या डिस्प्ले कराना वैल्यू एज जे। दिस इज द कंडीशंस फॉर डिस्प्लेइंग रिक्वायर्ड पैटर्न, प्लीज चेक इट। आई मॉड्यूलो 2 इक्वल इक्वल 0 इज ट्रू।